हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड लिनियर अलजेब्रा के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से कर रहा है और अभी अभी अपने फोर्थ सेमेस्टर में गया है और जिनका ब्रांच AIML है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, या तो जिसका ब्रांच डेटा साइंस है जिसको शॉर्ट में हम लोग DS बोलते हैं, तो इन ब्रांच के बच्चों को फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड लीनियर अलजेब्रा। इतना बड़ा नाम है इसका। तो इसी के सिलेबस और साथ ही साथ क्लास अनाउंसमेंट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको सिलेबस में ही बताऊंगा कि कितने सारे चैप्टर से कितने लेक्चर्स यहां पर अपन को लगने वाले हैं पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए। आप सभी का थर्ड सेमेस्टर बहुत अच्छा गया, मुझे बहुत खुशी हुई पॉजिटिव रिस्पांस देखकर, क्योंकि इससे पहले जो मैंने कोर्स करवाया था आप लोगों को प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का बेटा, बिना डेमो लेक्चर्स के उसका जो रिस्पांस रहा है ना, मतलब मैं क्या बताऊं, पेपर भी सबके अच्छे गए। चलिए, तो अब थर्ड सेमेस्टर तो अच्छे से हो गया, फोर्थ सेमेस्टर को अच्छे से करना है। देखिए बेटा, ये जो सब्जेक्ट है ना, इसको पहले लॉन्च करने का मतलब क्या है कि ये जो आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है, एक्चुअली में क्या है ना बेटा, ये थोड़ा सा लॉजिकल मैथ्स है, ठीक है। अब देखो, लॉजिकल मैथ के साथ दिक्कत क्या है ना कि अगर हम इसे जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो यहां पर क्या होगा कि आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, है ना। और ये जो हमारा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है ना, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितना ज्यादा पढ़ोगे ना, उतनी अच्छे से डिटेल में आप पढ़ सकते हो, क्योंकि कोई लिमिट नहीं लगा हुआ कि आपको यहीं तक पढ़ना है बेटा। तो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए ये बेसिक मैथ्स का भी काम करता है। तो आप एक तरह से समझ लो कि ये जो आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आप कर रहे हो, जिनका ब्रांच AIML है, DS है बेटा, तो इनके लिए ये आपका बेसिक मैथ्स है। तो अगर आपको ये नहीं आएगा तो आगे चल के फिर आप जब प्रोग्रामिंग वगैरह करोगे तो वहां पर आपको दिक्कत होने वाला, ताकि वहां पर दिक्कत ना हो, इसलिए इन सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से पढ़े। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए बेटा, तो गेट में भी कम से कम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर से मुझे लगता है कि 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर दो चीजों का मिश्रण है बेटा, है ना, सॉरी मिश्रण है। पहला आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, जिसके आपको 3 यूनिट पढ़ने हैं। अगर परसेंटेज वाइज बात की जाए तो 60% आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है और आपको 2 यूनिट पढ़ना है लीनियर अलजेब्रा का, जो आपका 40% मानकर चलो 2 यूनिट होता है, ठीक है। चलिए बेटा, अब आते हैं डायरेक्टली हम लोग सिलेबस में कि हमारा सिलेबस क्या क्या है, आइए देखते हैं। देखो बेटा, जो यूनिट 1 है वो बहुत बड़ा है तो इसमें टोटल 5 चैप्टर, लेकिन मैं 4 को ही कंसीडर कर रहा हूं। जो सबसे पहला चैप्टर है आपका वो है सेट्स, दूसरा जो चैप्टर है बेटा वो है आपका रिलेशन, तीसरा जो चैप्टर है बेटा वो है आपका फंक्शन। तो यहां पर ये हो गया आपका चैप्टर 1, ये हो गया चैप्टर 2, ये आपका हो गया चैप्टर 3। देखो बेसिक वही है जो आप लोगों ने क्लास 11 12 में पढ़ा था, लेकिन आप सभी को पता है कि 11 12 पढ़े हुए थोड़ा सा टाइम हो गया, एंड बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने लॉकडाउन में पढ़ा था 11 12, तो चीजें थोड़ी सी धुंधली हो गई होंगी। तो चीजों को आप साफ करके अच्छे तरीके से चलना है बेटा, क्योंकि अगर आप यहां पर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आगे आपको दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए, तो सेट, रिलेशन और फंक्शन, उसके बाद ये दूसरा हमारा चैप्टर, चौथा चैप्टर हो जाएगा आपका POSET। तो यहां पर चैप्टर नंबर 1 हो गया सेट, दूसरा चैप्टर रिलेशन, तीसरा चैप्टर फंक्शन और चौथा चैप्टर आपका POSET। इसी चैप्टर को लैटिस नाम से भी जाना जाता है या तो हैज डायग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए कम से कम अपन को 45 लेक्चर्स लगेंगे। बड़ा है ये यूनिट, अगर आप अच्छे से करोगे ना तो कम से कम 45 लेक्चर्स अपन को यहां पर लगने वाला है। तो ठीक है, लगने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन मेहनत करेंगे। स्टार्टिंग से इसलिए तो पढ़ रहे ताकि चीजों को अच्छे से समझ पाए, और मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा इसकी गारंटी मैं लेता हूं, तो परेशान आपको नहीं होना, बस आपको लेक्चर्स अच्छे मन से अटेंड करना है, आपका काम बन जाएगा और मजे लेके पढ़ते हैं अपन, ठीक है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में भी 3 चैप्टर्स है। पहला जो चैप्टर है वो खुद आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको कंप्लीट करने में मुझे लगेगा 20 लेक्चर्स, और ये आपका रिंग एंड फील्ड छोटा सा चैप्टर है, इसको कंप्लीट करने में 2 से 3 लेक्चर मानकर चलो, और ये आपका रीऑर्गेनाइजेशन एंड जनरेटिंग फंक्शन, इसको कंप्लीट करने में मानकर चलिए आप 8 से 9 लेक्चर्स लगेगा, ठीक है। तो आप देख लो कि यूनिट 2 भी आपका थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है,
ठीक है। चलिए तो ये आपका यूनिट वन और यूनिट टू, टोटल मिलाकर आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं इसमें? 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को नोट करना हो तो वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकता है। चलिए अब आते हैं यूनिट नंबर थर्ड में। तो देखो यूनिट नंबर थर्ड आपका क्या है, प्रोपोर्शनल लॉजिक, ठीक है। चलिए तो यहां पर एक चैप्टर आपका ये हो गया और दूसरा चैप्टर आपका ग्राफ थ्योरी। ये आप लोगों ने मुझे लगता है कि पहले भी पढ़ा होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा आपका यहाँ पर रिकॉल होने वाला है बेटा, अगर ग्राफ आपने नहीं पढ़ा है तो ये रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि मुझे डाउट है कि ये डेटा स्ट्रक्चर में था या नहीं था। अगर होगा तो आपने जरूर पढ़ा होगा। तो यूनिट थ्री में आपको दो चैप्टर्स पढ़ने, ठीक है। तो इन दोनों को कंप्लीट करने में मुझे लगता है कि 25 लेक्चर्स से ज्यादा लगेंगे, आराम से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं यूनिट फोर मैट्राइसेस। अब यार एक बात समझना, जिसने मुझसे मैथमेटिक्स वन पढ़ा है ना, और मैथमेटिक्स टू जो पढ़ते हुए मुझसे आ रहे हैं, ये मैट्राइसेस क्या है बेटा, थोड़ा सा अलग है ना। ये जो मैट्राइसेस है ये आपका रीजनिंग मैट्राइसेस है, ठीक है। जैसा आपका वेक्टर स्पेस था ना, तो ये क्या वेक्टर स्पेस को ही ये थोड़ा आगे कंटिन्यू करेगा। तो हो सकता है कि यहां पर मैं कुछ बेसिक लेक्चर्स आपके लिए डालूं, तो एक बात आप कंफ्यूज मत करना, ये मैथमेटिक्स वन वाला मैट्रिक्स बिल्कुल भी नहीं है। आप धोखा मत खाना, आप देखकर खुश मत हो जाना जैसे मैथमेटिक्स वन में अपन देखकर खुश हो जाते थे और यार मैट्रिक्स पास हो जाएंगे, ये वो वाला मैट्रिक्स नहीं है, है ना। जनरली ये जो मैट्रिक्स है ना बेटा, ये आईआईटीज वगैरह में पढ़ाया जाता है, लेकिन अच्छी बात है आपके सिलेबस में ऐड किया गया, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे, है ना। मिलकर पढ़ेंगे और मजे करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये आपका यूनिट फोर हो गया, अगर किसी को नोट करना हो तो वो नोट कर सकता है। चलिए बेटा लास्ट में आपका यूनिट फाइव टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। ये अपन ने पढ़ा था ना, किसमें पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स में, उसी को यहां पर अपन थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो टोटल आपके यहां पर 5 यूनिट हैं बेटा, और मुझे लगता है कि आपके कोर्स में 120 लेक्चर्स होंगे, पूरे के पूरे 5 यूनिट आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। ऐप पर कोर्स भी बहुत जल्द आ जाएगा। देखो अब मैं एक बात आपको बोलूंगा, जो बच्चा मुझसे पहले पढ़ चुका है मैं उसको बोलूंगा कि आप ऐप पर जाओ, ये आपका कोर्स आ जाएगा एक दो दिनों में, ठीक है, इसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। कोर्स का नाम बहुत बड़ा है, तो मैं पता कोर्स का नाम क्या रखूंगा, मैं कोर्स का नाम रखूंगा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड लीनियर अलजेब्रा। तो आप थोड़ा सा ध्यान देकर कोर्स को खरीदना, क्योंकि ऑलरेडी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का कोर्स वहां पर है, तो गलती से डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का कोर्स मत खरीद लीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड लीनियर अलजेब्रा है या नहीं, AIML और DS ब्रांच लिखा हुआ है या नहीं, फोर्स सेम लिखा हुआ है या नहीं, वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि बहुत ऐसे केसेस हुए हैं यार जब बच्चे गलत कोर्स खरीद लेते हैं, तो वहां पे क्या कि बच्चे भी परेशान होते हैं अपन भी परेशान होते हैं, तो वो वाला काम आपको नहीं करना है, ठीक है। अब देखो ये जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का जो भी पार्ट है वो ऑलरेडी आपका शूट किया गया जो थर्ड सेमेस्टर के लिए था, तो मैं वही कंटेंट यहां पर ऐड करूंगा क्योंकि बेस्ट कंटेंट है, बच्चे पढ़ के अभी अच्छा एग्जाम्स भी उनका गया, और साथ ही साथ कुछ अपडेट करने की भी उसको कोशिश करूंगा बेटा। लेकिन अभी मैं यहां पर आपके लिए क्या करने वाला हूं, अभी आप यहां पर सिलेबस के वीडियो में हो, ठीक है, और सिलेबस के वीडियो के बाद मैं लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और 4, ये 4 लेक्चर मैं सेट्स के आपको डाल दूंगा, ठीक है, आप इसको पढ़िए। और ये पुराने लेक्चर्स हैं जो मैंने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के लिए शूट किए थे, मैं फिर से उसको शूट करने नहीं जा रहा, तो उन्हीं लेक्चर्स को मैं एज अ डेमो यहां पर दूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पूरा कोर्स इनरोल कर सकते हो, और जो बच्चा मुझसे पढ़ चुका है तो मैं उससे यही बोलूंगा बेटा कि ये लॉजिकल मैथ्स है, 11th-12th का मैथ समझ के मत फंस जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर आप इसे लेते हो ना तो आप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में ही फंस जाओगे, और ये सीएस ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है, फीस एकदम रीजनेबल है, तो आपको कोर्स के लिए बिल्कुल जाना चाहिए ताकि आपको कहीं भी बाद में बच्चे परेशान होते हैं। मुझे नहीं चाहिए कि मेरा कोई भी बच्चा परेशान हो, मैं खुद भी बहुत मेहनत कर रहा हूं बेटा, प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स में मैंने कितना मेहनत कर रहा है वो मुझे पता है, ठीक है। चलिए तो जिन्हें डेमो चाहिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल देता हूं प्लेलिस्ट का, वो डेमो लेक्चर से एंजॉय कीजिए, और जिन बच्चों को कोर्स लेना है वो जाइए डायरेक्ट कोर्स ले लीजिए, 2-3 दिनों में कोर्स आपका रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।